अंबाला में गर्मी का मौसम शुरू होते ही बिजली की काफी ज्यादा किल्लत दिखाई देने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीणों को 24 घंटे में एक घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती, जिसको देखते हुए आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ने एससी कार्यालय का घेराव कर दिया और मांग रखी गई है कि ग्रामीण इलाकों में भी बिजली सुचारू रूप से दी जाए। इस दौरान किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी का कहना है कि सरकार ने एडीए बांटे हैं, जिसके मुताबिक पहले एरिया में रात 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बिजली दी जाएगी, दूसरे एरिया में सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक बिजली छोड़ी जाएगी, और जिस एरिया में रात को बिजली आएगी उस एरिया में सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक फिर से बिजली छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले सोमवार को सभी हरियाणा के पावर हाउस का घेराव भी करेंगे। ग्यारह से सुबह 4 बजे तक बिजली आएगी, दूसरे एरिया में सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बिजली आएगी, और जिसमें रात को बिजली आई है उसमें 10 से 12 दिन में फिर बिजली छोड़ी जाएगी। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने साथ के साथ हम चेतावनी दे रहे हैं। मैं पूरे हरियाणा के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुरंत बिजली में सुधार नहीं होता है तो सोमवार को पूरे सारे हरियाणा के पावर हाउस घेरने का प्लान बना लिया है। हम बिजली की मांग को लेकर जो हमारे किसान की 8 घंटे की बिजली थी उसको घटाते घटाते ने पहले 5 घंटे करी, 4 करी, अब 2-3 दिन से तो बिल्कुल ही नहीं, कहीं घंटा आ गई, कहीं आधा घंटा आ गई, वो भी ट्रिप आधा घंटा आ गई, ट्रिप मार दिया, फिर आधा घंटा आएगी, कहीं 10 मिनट आ जाती है, कभी तो ऐसा होता है 1 मिनट आई मोटर चली और जल्दी भाग गई। ये हमारे साथ खेल हो रहा, हमारे प्रधान जी और कई साथी जाके MD पंचकुला से भी मिल के आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया था ये आपके 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, पर नहीं, तो इसलिए आज हमें यहाँ ये घराव करना पड़ा। बिजली नहीं मिल रही है।